हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सबसे बड़ा डर है फाइनेंस। चलिए एक सैंपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अक्षय को अपना क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वो रोज रात को कुछ न कुछ टाइम पास करता रहता, टीवी देखता या घूमता। फाइनेंस उसका डर था और असलियत से कुछ वक्त दूर होने के लिए वो अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट कर देता। ऑनलाइन शॉपिंग की आदत के चलते उसके डर में बढ़ोतरी होने लगी। डर को टालने से बेचैनी बढ़ती है, इससे हम फियर बेस्ड माइंडसेट में अटक जाते हैं। हम अक्सर उन हालातों से भागते हैं जिनसे हमारी फीलिंग्स को ठेस पहुंचती है। अक्षय अगर टीवी देखने के बजाय बैंक वालों से बात करता तो उसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता। हम अपने कंफर्ट जोन में ही अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, इससे हमारी तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं। कुछ समय के लिए आप अपने प्रॉब्लम से दूर जरूर होते हैं, पर वो प्रॉब्लम वापस दस्तक जरूर देती है। डर लगना नेचुरल है, लेकिन इसके बाद का स्टेप ये होना चाहिए कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। हमारा कंफर्ट जोन हमें जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है वो तब भंग होती है जब हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये सब क्यों होता है, इसके पीछे 7 कारण हैं। पहला, आपको लगता है आपका डर एक्सक्लूसिव है, एकदम नया, आज तक ये प्रॉब्लम कभी किसी को हुई नहीं होगी। लेकिन आप गलत हैं, और गुड न्यूज ये है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो किसी और ने हैंडल नहीं की होगी। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर है, बस आप ढूंढ नहीं रहे। दूसरी बात, आपको ये लगता है आपकी प्रॉब्लम आपसे भी बड़ी है, और जब आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपकी कैपेसिटी से बाहर है तब आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और फिर जब डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है प्रेशर डबल हो जाता है। तीसरा कारण, आपको खराब रिजल्ट का डर लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये काम नहीं किया तो, आप खुद पर और डाउट करने लगते हैं, और सबसे अच्छा सोल्यूशन निकलता है भाग जाओ, फिर वही साइकिल रिपीट। आप ऐसे सॉल्यूशंस को अपनाते हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे होते हैं। चौथी बात, आप डर से इनकार करते हैं। आप इंटरव्यू के दरवाजे से ही वापस आ जाते हैं। आप सोचते हैं इससे अच्छा तो मैं कहीं और चला जाऊं। आपके ब्रेन को चैलेंज से मुंह फेरने की आदत बन गई है। ये आपकी पर्सनैलिटी बनती जा रही है और आपको पता भी नहीं। आपको अपने डर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहना होगा कि भले ही मुझे ये नहीं पसंद, फिर भी मैं ये काम करूंगा, क्योंकि अगर ये आइडिया काम कर गया तो। लिस्ट बना के देखिए क्या क्या अच्छा होगा उसके बाद। डर के आगे जीत है। पांचवा रीजन, हम गलत एक्शन लेते हैं। जो करना चाहिए उसे छोड़कर हम दूसरे काम करते हैं जो हमें आसान लगते हैं, क्योंकि जो करना चाहिए उस काम में हार्ड वर्क ज्यादा होता है, अड़चन ज्यादा होती है। लेकिन हम प्रॉब्लम से दूर होने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए खत्म होती है। ऐसे में क्या करें, अपनी प्रॉब्लम लिखें और उसको सॉल्व करने के लिए जो सही रास्ता है भले ही हार्ड हो उसे लिखें, और अब वो सोल्यूशन अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या एक्शंस लेने जरूरी हैं, उसके स्टेप्स बनाएं और पहले स्टेप से शुरू हो जाइए। छठवां प्रॉब्लम, हम डर को बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बुरी सिचुएशंस में रहने के बाद भी बड़े बड़े काम कर लेते हैं, और कुछ लोग एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाते। आप बस मान लेते हैं कि आपसे होगा ही नहीं, पर सच्चाई तो ये है कि ये डिसाइड करने वाले हम ही हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद की परवाह करते हैं, इसलिए अच्छे स्टेप्स उठाइए। आप कर सकते हैं। आपके सामने प्रॉब्लम नाम का पत्थर है, ये कोई बड़ा सा पहाड़ नहीं है जो हिल नहीं सकता। आपको बस सही औजार की जरूरत है जिससे आप इस पत्थर को हटा सकें। कोशिश तो कीजिए, शायद थोड़ा सा धक्का ही देना था। और सातवां रीजन, हमें लगता है कि अगर हम उस काम को अवॉइड करेंगे तो फियर चला जाएगा। जिंदगी जीने के लिए है, लेकिन आप डर को अवॉइड करके बस सांसें ही ले रहे हैं। आज छोटी प्रॉब्लम से डर गए तो कल की बड़ी प्रॉब्लम आपकी दुनिया हिला देगी। जिस घर में प्रॉब्लम का सलूशन डिस्कस नहीं किया जाता, वहाँ के बच्चे प्रॉब्लम शेयर करना छोड़ देते हैं, इमोशंस को दबाना सीख लेते हैं। रूम में लाइट बंद करने के बाद भी सामान वहीं रहता है, बस दिखाई नहीं देता। बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम से भी ऐसे ही डील करते हैं। मुझे पता है तुम हो, बस मैं देखना नहीं चाहती। जरूरत है कि आप लाइट ऑन करें और उस प्रॉब्लम को, अपने डर को कॉन्शियसली देखें, उसकी जड़ तक जाएं, उसको दूर नहीं उसके पास जाएं, क्योंकि लाइफ अगर ऐसे ही स्ट्रेस, गुस्सा और डिप्रेशन में निकली तो आप बीमार हो जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो सोचते हैं आज चाहे कितनी ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, हम अपने डर से निपट लेंगे। उल्टा हम सोचते हैं प्लीज आज कोई प्रॉब्लम ना हो, आज का दिन स्मूथली निकल जाए। कुछ लोग तो सब कुछ करेंगे अपने डर से भागने के लिए। आसान रास्ता लंबा रास्ता होता है। आपको लगता है आप सही जगह पहुंच जाएंगे, पर ये भ्रम है। जैसी लाइफ आपको चाहिए वो सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करके नहीं मिलेगी। आपको बड़े रिस्क लेकर खुद को परेशानी में नहीं डालना है। बस एक सवाल अपने आप से कीजिए, कैसी होगी वो लाइफ जहां आप अपने टर्म्स पर जीते हैं बिना डर के। हम जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, दर्द से डरते हैं,
डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया, खाना पीना, शॉपिंग और जो भी आपका कंफर्ट जोन हो, एंजाइटी कम होती है, आप रिलैक्स महसूस करते हैं। पर कब तक? क्या आपको अपने इस माइंडसेट का अवेयरनेस है? क्या आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? इसे जानने के 3 आसान रास्ते हैं। एक्शन टास्क, अपना डिस्ट्रैक्शन पहचाने। क्या वो टीवी है, ओवरईटिंग, ओवरस्लीपिंग, शॉपिंग? सबका अपना तरीका होता है खुद को इमोशनल स्ट्रेस से दूर रखने का। खुद का रेजिस्टेंस टेस्ट लें। अगली बार जब कोई चैलेंज आए तो लिखें कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? क्या आपका सॉल्यूशन आपकी प्रोग्रेस में मदद कर रहा है? बचने का कौन सा रास्ता आपका पसंदीदा है? लिस्ट बनाएं उन सभी रास्तों की जिससे आप अपने चैलेंज से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे पढ़कर आपको लगेगा आप जिससे रिलैक्स हो रहे हैं, पर असलियत तो ये है कि आप सिर्फ उस काम को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। पहचाने अपने डिस्ट्रैक्शन को और उससे दूर होने की कोशिश करें। प्रॉब्लम के आते ही उससे डरना, उसे ब्लॉक करना नेचुरल है। छोटे छोटे स्टेप्स लें और अपनी इन गलत आदतों को सुधारें। एक एक करके सभी ब्लॉक्स को हटाइए और आप देखेंगे कि अपने आप को डर से बचाने के लिए जो दीवारें खड़ी की थीं, देखते ही देखते वो सारी ढह जाएंगी। मशहूर अमेरिकी ऑथर लुइस बुन के एक कोट का ये मतलब था कि असफलता से इतना मत डरो कि नई चीजें आजमाने से ही इनकार कर दो। हमारी जिंदगी के दर्द की कहानी का सिर्फ 3 लाइन्स में सारांश है। मैं कर सकता था, मैंने किया होता, मुझे करना चाहिए था। इस एपिसोड में आपने जाना कि हम अपने डर से, अपने चैलेंज से भागने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। हमारे सभी डिस्ट्रैक्शंस हमें कुछ वक्त के लिए रिलैक्स जरूर करते हैं, लेकिन जाते जाते डबल प्रेशर देकर जाते हैं। आप ये जरूर समझ गए होंगे कि अपने कंफर्ट जोन में रहना भले ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उस जोन में कभी नहीं मिलेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा।